दासत संग की महिमा मुबारकी हो, मुबारक हो दासत संग की महिमा हो, मुबारकी हो, मुबारकी हो, मुबारकी हो,
Thank you.
बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी और संसार तीन रूपी तीन जो ताप बहु जल रियो गुरु महाराज ने दया आई तो सत्संग न चलाई। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी, घटा नहीं आदो बादल भेजा है केवल बुझाए ताप करिए को मुबारक हो मुबारक हो। जही बादल आवे तावड़ो मिट जावे दी साबू ज्ञान की घटा तई त्री ताप अधिदेव अध्यात्म अधिभूत देहिक भौतिक देविक तीनों प्रकार का ताप वो मिटा दिया। देविक देहिक यानी शरीर का दुख मातो दुख है बुखार चढ़गी बीमार हो। भौतिक यानी सांसारिक दुख कोई मांग तोड़ आ गयो अंधेरा का मन आंकड़ा ने भोत कर लियो जेवड़ी ने श्याम कर लियो गवा का मान मार करो शांत मिल गया कोई ये भौतिक दुख है। और देविक दुख यानी प्राकृतिक आपदाएं भूकंप आ गयो लाइन लागी ज्यादा बरसात होगी काल पड़गो सोना मिले रहेगी यान का ए देविक दुख तीनों दुखों निवृत्ति करा दे गुरु महाराज के मिटाए ताप त्रिय को मुबारक हो मुबारक। फिर के गर्जना संतों की सुन के शोक संशय सभी भागे गुरु महाराज का उपदेश की गर्जना सुन करके और मन में जगह शोक और संशय हा वो सभी दूर हो गया। फिर बरसाया ज्ञान अमृत को मुबारक हो मुबारक हो। फिर ज्ञान रूपी अमृत की गुरु महाराज बारिश करी सदके वे बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग है त्यारणी गंगा। सत्संग ने ती गजब की बताई है कि यज्ञ गर्भ की आवश्यकता को नहीं योग करने की आवश्यकता नहीं है जप की भी आवश्यकता नहीं है तप की भी आवश्यकता नहीं है कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। कहे सतयुग 17,28,000 वर्ष को और सतयुग में सही सांस बोलता बिन सतयुग कहता जबाद में वो बीते बाद में त्रेता युग गयो त्रेता युग क्यों भाई सतु पार कौन पड़े मौत सांस कौन बोली जाए क्यों जहां तपस्या कर लियो जब त्रेता युग तपस्या प्रदान हो सब तपस्या क्या करता मुनि दुर्वासा 1,00,000 को प्रण करियो और 80,000 कमानी था गा जा क्यों भाई तपस्याओं को नहीं पार पड़े जा द्वापर युग आयो द्वापर युग में भाई तपस्याओं पार कौन पड़े सांची कौन बोली जाए जा क्यों कर्म कांड करो जा होम यज्ञ दान पुण्य तीर्थ अयान का कर्म कांड द्वापुर में चल लिया जा द्वापुर बीते जन लास्ट में कलयुग आयो क्यों भाई अब कर्म कांड में कौन पार पड़े मां तो न तो दान हुए न तप हुए न कोई जप हुए न सांस बोली जाए न कोई तप हुए जना भगवान गुरु महाराज दया करके और ज्ञान SC ST ने आरक्षण दियो ना संविधान में भैया कलयुग में पूरी जनता ने एक आरक्षण दियो कोटो दे दियो कि चलो तने की कौन करनू केवल राम को नाम तो जप सको ने बोले हाँ जप सुबह क्यों कलयुग केवल नाम आधारा अरे सुमर सुमर नर उतरो पारा केवल एक नाम को सुमरण करनू सत्संग करनी है जना क्यों बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग है त्यारणी गंगा। और फिर समागम संतों का ऐसा मुबारक हो मुबारक ऐसे संत महात्माओं के दर्शन वो भी धन्यवाद के लायक है कल्याणकारी है। भव सिंधु पार होने को सत्संग जाज है जग मही संसार में जगी समुद्र तिरबाल जी की जाज है ना बा तो लकड़ी की हुए लेकिन इस संसार रूपी सागर जी की तिरबा की जाज है बा अन्याव सत्संग। और इस सत्संग का डलेवर गुण है संत महात्मा भव सिंधु पार होने को सत्संग जाज है जग मही और खेवटिया महात्मा साधो मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो। फिर क्यों हजारों खल कुटिल पामर सत्संग कर तिर गए पापी एक नहीं हजारों खल यानी मूर्ख कुटिल जगह के मन में कपट रहे हुए पापी जिसको पाप करवाड़ो हुए और पामर जिसको नीच कर्म करवाड़ो हुए पामर के हुए चारियों भी अदम प्राणी हुए बेबी सत्संगो तिर गया हाँ। और अच्छा राम जी के अब भी तीरते हैं आकोने के लारे तीरिया इस 2019 में भी तीरते हैं मुबारक हो मुबारक सदा सत्संग की महिमा मुबारक।